हेलो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी है नीला सियार। एक बार भोजन की खोज में घूमता हुआ एक सियार जंगल के पास के एक शहर में आ गया। वहाँ रहने वाले कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। डरकर वह एक धोबी के घर में घुस गया और हड़बड़ी में नील के ड्रम में गिर गया। कुत्तों ने जाने के बाद वह जंगल की ओर भाग गया। नील के रंग में वह नीला हो गया। जानवरों ने उसे पहचाना नहीं और उससे डरने लगे। सियार को एक युक्ति सूझी। उसने कहा कि ईश्वर ने उसे जंगल का राजा बनाकर भेजा है। सभी ने उस पर विश्वास करके उसे राजा मान लिया। उसकी सेवा होने लगी और वह मजे करने लगा। एक दिन उसने सियारों की आवाज़ सुनी। अपनों की आवाज़ से खुश होकर उसने भी हुआ हुआ बोलना शुरू कर दिया। जानवरों ने उसे पहचान लिया। उन सब ने मिलकर उस रंगे सियार को जंगल से भगा दिया। सो इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है कि सच्चाई छिपाए भी नहीं। कुएं के पास पहुंचकर शेर ने भीतर झांका तो उसे अपनी ही परछाई दिखी। उसे लगा दूसरा शेर है। उसने लड़ने के लिए दूसरे शेर से कुएं में छलांग लगा दी। जाते ही शेर अंदर मर गया। खरगोश बहुत प्रसन्न हो गया। उसने जाके सब जानवरों को ये खबर दी और सारे जानवर बहुत खुश हो गए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि शांत भाव सही निर्णय लेने में सहायक होता है। एक छोटे से खरगोश की चतुराई की वजह से सारे जानवर चैन से रहने लगे। अगली स्टोरी अगले वीडियो में आपके अपने चैनल बेबी हिप्पो टीवी पर। देखते रहिए नए नए वीडियो, नई नई स्टोरीज, नए नए टॉयज और नए नए गेम।